अस्सलामुअलैकुम माई YouTube फैमिली, कैसे हैं आप सब। सो गाइस, मैं जा रही हूँ बाहर। आज मेरा प्लान है कि मैं पैकेजेस मॉल जाऊँ और वहाँ की जो डॉलर शॉप है उसको एक्सप्लोर करके आऊँ। मैंने अपना ड्रेस निकाल दिया है। इसका गला बिल्कुल राउंड सा सिंपल सा और इसके पफी बाजू हैं, ये देखें। ये मैं पहन रही हूँ, दिस इज़ अ लॉन्ग ड्रेस। अगेन दिस ड्रेस इज़ फ्रॉम शीन। ये मैं UAE से लेके आई हूँ। ये ड्रेस देखें, अभी मैं आप लोगों को पहन के दिखाऊंगी कि ये किस तरह का लगता है। वेल, इसके साथ मुझे अभी शैला भी मैच करना है। अगर आप लोगों ने मेरी स्कार्फ वाली वीडियो देखी है तो you know मेरे पास बहुत ज़्यादा स्टॉक है। अब उसके अंदर से हम डिसाइड करते हैं कि कौन सा स्कार्फ इसके साथ लेना है। जी, मेरे पास कोई सेम कलर नहीं है। एक मेरे पास ये है मल्टाई कलर का और एक मेरे पास ये ब्लैक है। ये आप लोगों ने देखा होगा पहले भी मेरे व्लॉग में। और एक ये है, खोल के दिखाती हूँ आप लोगों को। वैसे मैंने सर पे लेना है तो आई गेस ये वाला ठीक रहेगा। अब हम इस पे ना पूरा रेडी होके देखते हैं। इस ऑप्शन में एक ये भी मुझे मिला है, बट मुझे ऐसा लग रहा है जैसे दिस इज़ गोइंग टू बी टू डार्क। ये देखिए, इफ आई जस्ट कीप इट लाइक दैट, तो इन दोनों का कोई मैच खास बन नहीं रहा है। तो आई विल गो विद दिस वन। ये देखें, ये फिर भी बेहतर लग रहा है इसके साथ। तो आई प्रोबेबली वेयर दिस वन। जी गाइस, आई एम रेडी। ये मेरा ड्रेस है और ये मैंने जॉगर्स के साथ पहन ली क्योंकि मैं मॉल जा रही हूँ। और लास्ट टाइम भी जब मैं मॉल गई थी तो मैं हील्स में बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हुई थी। और ये मेरा शैला है। ये अगर आप लोगों ने मेरी पहली वीडियो देखी होगी ना तो उसमें मैंने सारे अपने शैले दिखाए थे। सो मैंने इसके साथ मैच कर लिया है। एंड दिस इज़ द कम्प्लीट लुक विद जॉगर्स। आई एम रेडी टू गो। बाहर मौसम चेक करें, कितना कोई प्यारा मौसम हुआ हुआ है। हल्की हल्की सी बारिश हो रही है और थोड़ा रश है क्योंकि सैटरडे है। वी रीच्ड पैकेजेस मॉल और यहाँ पे ज़रा हाल देखे बारिश की वजह से क्या हुआ हुआ है। आई एम वेरी 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 एक्साइटेड कि मैं आज डॉलर शॉप एक्सप्लोर करूँगी और देखती हूँ कि वहाँ से हमें क्या क्या मिलता है, कौन सी चीज़ें जो है हमें लेनी चाहिए और कौन सी चीज़ों की हमें ज़रूरत है। पैकेजेस मॉल का चक्कर मेरा पहले भी लग चुका है लेकिन मैंने इनकी डॉलर शॉप नहीं देखी थी। सो आप लोगों के साथ ना, दिस इज़ ऑल्सो माई फर्स्ट टाइम कि मैं इनकी डॉलर शॉप एक्सप्लोर करूँगी। और यहाँ पे ना मुझे एक ये पाउंड वाली भी मिली थी लेकिन इसमें मैं अभी तक गई नहीं हूँ। इसमें भी किसी दिन जाऊँगी और देखूँगी कि इनकी प्राइसेस किस तरह की हैं। मैं बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी कि डॉलर शॉप के पास इतना रश होगा। डॉलर शॉप में इतना रश था कि यार मैं आप लोग को क्या बताऊं। ऑनेस्टली स्पीकिंग, रश होना भी चाहिए क्योंकि आजकल जिस तरह की महंगाई है उसमें ये वाली प्राइस तो बहुत ही रीज़नेबल है। घर की चीज़ें लेने के लिए तो बहुत बहुत अच्छी जगह है ये। और यहाँ पे हर चीज़ 275 रुपीज़ की थी, दैट्स इट। कैन यू गाइज इमेजिन, 275 रुपीज़ इज़ लिटरली नथिंग। यार यहाँ की चीज़ें बहुत बहुत प्यारी थी, दिल कर रहा था कि बंदा सब ही ले ले, लेकिन जो चीज़ें ऑलरेडी घर में थी हमारे पास वो हमने नहीं ली। हाँ, बट जो चीज़ें बहुत क्यूट सी लग रही थी, जो था चलो यार ये ले लेते हैं, वो फिर हमने ले ली। तो अब आप लोग भी मेरे साथ ना यहाँ पे एक्सप्लोर करें और देखें कि क्या क्या चीज़ें हैं। अच्छा, पहले एक और बात बता दूँ, जो ग्लासेस के सेट्स थे ना, ग्लासेस के सेट भी 275 के। ये 275 के तीन हैं, 550 के छः हैं, दो मग हैं। ये 275 के मग दो हैं। अच्छा, कोई सा भी वाइट वाला है क्या? चीज़ें तो आप लोग देख रहे हैं कि कितनी प्यारी हैं एंड ऑनेस्टली स्पीकिंग क्वालिटी वाइज भी बहुत अच्छी थी। हमें ये बहुत अच्छी लगी थी। ये छोटे छोटे से बाउल्स थे, इसमें आप लोग नमक मिर्च डाल सकते हैं, ऑयल डाल सकते हैं, इस तरह की काफ़ी चीज़ों के लिए ये यूज़ हो सकती हैं। तो हमने एक ये वाला सेट ले लिया था। दिस वॉज सेट ऑफ सिक्स फॉर 275 रुपीज़। अच्छा जी, यहाँ पे पड़ी हुई थी कुछ छोटी सी बॉटल्स और ग्लासेस पड़े हुए थे। ग्लासेस की क्वालिटी बहुत अच्छी थी और ये ग्लासेस के सेट थे 825 के। ये सेट ऑफ सिक्स था, क्वालिटी वाइज वॉज रियली नाइस। और अगर आप इम्तियाज़ पे जाते हैं ना तो इम्तियाज़ पे भी आपको सेम ये ग्लासेस मिलते हैं, बट अ लिटल एक्सपेंसिव। अच्छा गाइस, उसके अलावा यहाँ पे ये कुछ मैट स्टाइल के थे जो आप एज डेकोरेशन इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी टेबल्स वगैरह पे। और भी ये बहुत सारी चीज़ें थी
मुझे और मामा को ना यहाँ पे ये मैथ्स जो थे ना बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करना शुरू हो गए, तो हमने कहा चलो चेक करते कि मैथ्स में कौन कौन सी वैरायटीज़ हैं। फिर मैंने जो एक एक करके इनकी वैरायटी चेक करनी शुरू की, तो वैरायटी तो काफ़ी ज़्यादा, और आप लोग भी देख सकते हैं कि मतलब एक दो नहीं है, काफ़ी ज़्यादा स्टाइल हैं। और ये भी जो था ना पर पीस 275 था, और हम मैंने और मामा ने ना अपने लिए दो दो के सेट्स ले लिए थे। अब आप लोगों को और भी एक्सप्लोर कराती हूँ कि यहाँ पे क्या क्या है और हम लोगों ने क्या क्या लिया, वो मैं आप लोग को दिखाती जाऊँगी साथ साथ। और क्वालिटी तो यार ऑनेस्टली स्पीकिंग काफ़ी चीज़ों की बहुत ज़्यादा अच्छी थी, ऑलमोस्ट सारी चीज़ों की अच्छी थी, क्योंकि इस प्राइस में आप लोगों को इस तरह की चीज़ें नहीं मिलती हैं। अब खैर, अब आप लोग इन्जॉय करें, देखें कि क्या क्या चीज़ें हैं यहाँ पर और मैंने अपने लिए क्या क्या लिया है।
अच्छा जी, ये छोटी मोटी चीज़ें मेरी हो गई थी और सारी ही चीज़ें बहुत बहुत प्यारी हैं और बहुत बहुत अच्छी हैं, क्वालिटी वाइज भी बहुत अच्छी, और अल्हम्दुलिल्लाह मेरी शॉपिंग हो गई है डॉलर शॉप से। और मैं आप लोग को भी रिकमेंड करूँगी, अगर आप लोग बजट की शॉपिंग करना चाहते हैं तो दिस इज़ द बेस्ट प्लेस। उसके बाद इंतहाई भूख लग रही और हमने सोचा कि यार कुछ बहुत ही मज़े का खाते हैं, और शवरमा हम सब का फेवरेट है, तो हम लोग जो है रोल बार आ गए थे और हमने यहाँ से अपना शवरमा इंजॉय किया। इनका शवरमा दी बेस्ट है और एग्जैक्टली यूए जैसा टेस्ट करता है। तो बस फिर हमने अपना शवरमा प्लेटर मंगवाया और वो इन्जॉय किया। गाइज, यहाँ पे आई एम गोइंग टू एंड माई व्लॉग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड लाइक माई वीडियो। आप लोग सब्सक्राइब करें और मेरी यूट्यूब की फैमिली का पार्ट बन जाएं और ऐसे ही मज़े के व्लॉग्स इन्जॉय करें।